हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन मेकअप कोर्सेस में क्या क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेटर है, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसका क्या नुकसान है, ये सब आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। एंड यस, यूट्यूब में वीडियो देखना एंड ऑनलाइन मेकअप कोर्स करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ऑनलाइन मेकअप कोर्सेज में क्या होता है, जो मैं आपको सामने से बताऊंगी वही आपको मोबाइल स्क्रीन पे या आपके लैपटॉप स्क्रीन पे दिखेगा, बट फेस टू फेस टॉकिंग होगी। अभी यूट्यूब पे आप सिर्फ मुझे देख सकते हो पर मैं आपको नहीं देख सकती, आप मुझे सुन सकते हो पर मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, राइट। बट ऑनलाइन मेकअप कोर्स में क्या होगा, मैं भी आपको देख सकती हूँ, आप भी मुझे देख सकते हो। एंड जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में बैठकर एक दूसरे से बातें करके इंटरेक्टिव सेशन होता है, वैसे ही ऑनलाइन कोर्सेस में होता है। इट्स नॉट लाइक दैट यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाल दिया एंड आप उसे देख रहे हो, नहीं, आप मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आप मेरे साथ कोई कोर्स करते हो तो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन मेकअप कोर्स एंड यूट्यूब वीडियो वॉचिंग। नाउ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में दोनों में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि मैं आपकी मिस्टेक्स तो आपको बता सकती हूँ आपको देखकर, बट अगर मैं ऑफलाइन नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, तो मैं आपका हाथ पकड़ के उसे करेक्ट नहीं कर सकती। एंड क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है, सो नो वन वांट्स टू टच अदर्स, राइट। दूसरों को टच करना कोई पसंद नहीं कर रहा है एंड इट्स गुड फॉर सेफ्टी पर्पस ऑल्सो। एंड कोविड केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वापस से बढ़ते जा रहे हैं। तो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन करना किसी भी कोर्स के लिए, नॉट ओनली फॉर मेकअप कोर्स, किसी भी कोर्स के लिए आजकल ऑफलाइन इज़ अवॉइडिंग बाय द पीपल्स। बट कुछ लोग अवेयर नहीं है कि ऑनलाइन में भी अच्छे से हम सीख सकते हैं। यस, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऑनलाइन कोर्सेस में कुछ खास अच्छे से सीख नहीं सकते, ऑनलाइन में क्या सिखाएंगे। बट मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया एंड ये सोचकर ज्वाइन किया कि मैं इसी बहाने प्रैक्टिस करूँगी। मेकअप तो मुझे आता है बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह की वजह से प्रैक्टिस छूट गई थी। सो मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए एंड आई लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो मैंने उसमें सीखी एंड मुझे समझ में आया कि यस, ऑनलाइन कोर्सेज भी बेनिफिशियल होते हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि ऑफलाइन से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? फर्स्ट थिंग, मैं अगर किसी से सीख रही हूँ तो मैं अपने कंफर्टेबल प्लेस में बैठी हूँ, अपना कंफर्टेबल सामान लेकर बैठी हूँ, मुझे सब कुछ एक बैग में भर कर कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा सीखने जाने के लिए। सेकेंड थिंग, कुछ भूल गई तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, जो भी है मेरे पास यहीं है, मेरे रूम में है, मेरे घर में है, कुछ भूल गई तो तुरंत उठ कर ले लिया एंड क्लास मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा। मुझे कुछ डाउट होगा, राइट, कुछ डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है, चाहे आप स्कूल में हो या ट्यूशन में हो, ऑफलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे कुछ डाउट होगा तो मैं पहले आजू बाजू अगल बगल देखूंगी और सोचूंगी कि कहीं मैं कोई बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन तो नहीं कर दूंगी, ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसा सोच कर मैं शायद अपना क्वेश्चन करूँ ही ना। बट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबको देख पाऊंगी, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आप सबको देख पाऊंगी, पर आप सिर्फ मुझे देख पाएंगे, बाकी सबको नहीं देखेंगे। तो आपके मन से वो डर निकल जाएगा कि ये मुझे देख रहा है या वो मुझे देख रहा है, मैं क्वेश्चन करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे, आप सिर्फ मुझे जानेंगे, तो आपके मन से डाउट पूछने का डर निकल जाएगा, राइट। आप कोई भी डाउट बेफिक्र होकर पूछ सकते हो एंड आपको इंस्टेंट आंसर मिलेगा। वेयर एज अगर आप यूट्यूब पे कमेंट्स करते हो अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूट्यूबर आपको रिप्लाई करेगा। इनिशियल स्टेज में है, जस्ट उसने चैनल स्टार्ट किया है,
या फिर बिगिनर है या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, तब वो आपको रिप्लाई कर सकता है, उसके पास इतना टाइम है। बट लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, हर रोज़ हज़ारों कमेंट्स आते हैं, हज़ारों क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं, तो वो आपको रिप्लाई करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड हो सकता है वो आपके क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाए। अब वो वीडियो कब अपलोड होगी, बट आपने आज क्वेश्चन किया है एंड उसका आंसर वीडियो एक हफ्ते बाद आ रहा है, तब तक आप अपना क्वेश्चन भी भूल जाओगे एंड हो सकता है आप वो वीडियो देख भी ना पाओ, आप किसी वजह से बिजी रहे या एंड उस वीडियो में सिर्फ आपके ही क्वेश्चन नहीं, सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रह जाओगे, वीडियो स्किप करते जाओगे, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, फेस टू फेस बात करो। ऑफलाइन कोर्स अगर आपके घर के आसपास अवेलेबल है देन इट इज़ वेल एंड गुड, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड फील फ्री टू आस्क योर ट्यूटर, ओके। कभी भी अपना डाउट अपने मन में नहीं रखना, जो भी डाउट है, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, मेकअप हो, कुकिंग हो, किसी भी थिंग से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हो, आप डाउट ज़रूर पूछो। जो भी है, सिली से सिली डाउट है, आप वो पूछो। हो सकता है वही डाउट आपके बगल वाले के मन में भी है बट वो भी आपकी तरह शाय होके नहीं पूछ रहा, राइट। बट आप पूछो, पूछोगे तभी सीखोगे, मन में रखोगे तो आप कंप्लीटली नहीं सीख पाओगे। एंड यही चीज़ आपको ऑनलाइन में भी करनी है। ऑनलाइन में भी आप बेफिक्र होकर या तो आप बोल के अपना डाउट पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हो। सामने फेस टू फेस बैठकर आप भी अपना मेकअप करो, या कुकिंग की क्लास कर रहे हो तो कुकिंग करो, जो आपको सिखा रहा है वो आपको देखेगा, आपने कोई मिस्टेक की है वो आपको इंस्टेंटली वहीं पे रोकेगा कि नहीं ऐसे करो। तो ये फ़र्क होता है एक यूट्यूब वीडियो देखना एंड ऑनलाइन फेस टू फेस कोर्स करना। सी, कुछ लोगों को ये भी डाउट्स आते हैं कि यार ऑनलाइन कोर्स ही तो है, तो दो दो तीन तीन घंटे तक बैठकर हम कोर्स नहीं कर सकते। आप ऑफलाइन करने जाओगे तो 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे डियर, क्योंकि ऑफलाइन में आप 6 7 लोग, 10 लोग, 60 लोग, 70 लोग एक साथ बैठे हो, जो आपको पढ़ाने आएगा वो आपको पढ़ाएगा और चला जाएगा। बट ऑनलाइन कोर्स में लिमिटेड पर्सन्स होंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स में 20 से 30 या मैक्स टू मैक्स 40, ठीक है। तो 40 लोगों का टीम होगा, तो आप जैसा मैंने कहा फेस टू फेस आप पूछ सकते हो। एंड 2 घंटे क्यों लगेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। मुझे मेकअप करने में मिनिमम 10 मिनट लगते हैं एंड मैक्सिमम 45 मिनट्स, राइट। किसी को भी नॉर्मल मेकअप है 10 मिनट 15 मिनट्स में हो गया, बट हम स्पेशल मेकअप कर रहे हैं लाइक स्मोकी आइज कर रहे हैं या हैवी मेकअप कर रहे हैं या पार्टी मेकअप कर रहे हैं, आईज पे ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 45 मिनट्स भी चला जाता है। बट मैं वो वीडियो शूट कर रही हूँ, चुपचाप अपना वीडियो बना रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, 45 मिनट्स लगे, पर उसको मैं एडिट करूँगी अपने लैपटॉप में या मोबाइल में, जिसमें भी मैं एडिट करूँगी, एडिट करके उसे 10 से 15 मिनट में कंप्रेस कर दूँगी। कहीं कहीं पे आपको फास्ट दिखाई देगा मेरा मूवमेंट, मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये ब्रश लिया, मैं ब्लेंडिंग ऐसे करती हूँ, बट आपको वीडियो में ऐसा ऐसा दिखाई देगा, बहुत फास्ट दिखाई देगा। और आप वो देखकर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सोचोगे यार मेरे से जल्दी जल्दी नहीं हो, नहीं, जो वीडियो बना रहा है वो भी जल्दी जल्दी नहीं कर रहा है, वो ब्लेंडिंग स्पीड नॉर्मल ही है, बट यूट्यूब के लिए उसने 10 मिनट में कंप्रेस करने के लिए उसको फास्ट एडिटिंग कर दी। पर आप ऑनलाइन कोर्स में फेस टू फेस मुझे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एग्जैक्टली ब्रश कहाँ पे रखा है, मैं कैसे मूव कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, कहाँ पे जल्दी कर रही हूँ, कहाँ पे धीरे कर रही हूँ, कहाँ पे कम लगा रही हूँ, कहाँ पे ज़्यादा लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन कोर्सेस में सीखने को मिलती हैं। किसी से भी ऑनलाइन कोर्सेस करो या ऑफलाइन करो। एंड अगर कुछ एक्सप्रेसिव वीडियो है, लाइक मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, जैसे ये वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मे बी ये 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, बट सिंपल मेकअप है, इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स होते हैं, जस्ट लाइक श्रद्धा कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक, अनन्या पांडे इंस्पायर्ड मेकअप लुक, ऐसे कुछ मैंने भी अपने चैनल पर शेयर किए हैं, तो उसे हम 10 मिनट में कंप्रेस कर देते हैं। रेदर मुझे वो मेकअप
करने में 45 मिनट्स लगे। चीज़ें मैंने इकट्ठा करी, शेड्स देखे, ड्रेस चेंज किया, ये सब करते मुझे 1.5 घंटे लग जाते हैं। एंड कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं, आप रिंग लाइट लगाओगे, सारा सेटअप जमाओगे, पर वो सारी मेहनत हम सिर्फ 10 मिनट में कंप्रेस करके यूट्यूब में डाल देते हैं। बट आप जब कोर्स करोगे तब आप तब मैं चुपचाप नहीं रहूंगी, मैं आपसे बातें करते हुए आपको समझाते हुए मेकअप करूंगी। 45 मिनट्स मेकअप करने में लगेंगे, 15-20 मिनट आपसे बातें करने में लगेंगे, 1 घंटे से ऊपर हो गया, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो सकता है आप मुझसे जो क्वेश्चंस करोगे उसका रिप्लाई देने में लगेगा। फिर मेकअप को रिमूव कैसे करना है, या आप कुकिंग का कोर्स कर रहे हो या जो भी कोर्स कर रहे हो तो उसके कुछ प्रिकॉशंस होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसलिए 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है, 20 मिनट में ऑनलाइन कोर्स नहीं होता है। ऑनलाइन कोर्स एंड वीडियो वॉचिंग दोनों ही बहुत डिफरेंट थिंग है। आप वीडियो शॉर्ट्स में देखोगे आपको बहुत फास्ट फास्ट दिखाई देगा, आप वीडियो डिटेल में देखोगे कहीं पे फास्ट होगा कहीं पे स्लो होगा, बट वो जस्ट अपना मेकअप किए जा रहे हैं, आपसे कोई इंट्रैक्शन नहीं है, राइट? 50% इंट्रैक्शन होगा, पर आप उनसे नहीं बात कर सकते, आप उनसे नहीं पूछ सकते। बट अगर आप फेस टू फेस कोर्स ज्वाइन करते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। कोई मिस्टेक है आप उनको बोल सकते हो कि मैम मैं ये ठीक कर रही हूँ या नहीं, सर मैं ये ठीक कर रहा हूँ नहीं, एक बार आप मुझे देख लो, मुझे डाउट हो रहा है। दे विल लुक एट यू। अनदर थिंग, कुछ मास्टर क्लासेस होती हैं आजकल मेकअप की या कुकिंग की, जिसमें फ्री में मास्टर क्लासेस होती हैं, तो वो मास्टर क्लासेस बिगिनर्स के लिए नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उसमें ना सिर्फ 40 पीपल्स नहीं होंगे, उसमें 400, 500, 1000, 1500, 2000, 4000 लोग हो सकते हैं। एंड उसमें सिर्फ आप देख सकते हो ट्यूटर को, पर वो आपको नहीं देखेगा, वो कैमरा ऑफ करके रखेगा। 4000 लोगों को एक स्क्रीन पे नहीं देख सकता वो, राइट? तो वो मास्टर क्लास जो फ्री वाली होती है वो ऐसी होती है, आपको पहले से कोई चीज़ आती है, आपको बस उसमें प्रैक्टिस करना है एडवांस लेवल का, इस टाइप के मास्टर क्लासेस होते हैं। पर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपको वो सीखनी है, बिगिनर हैं आप, बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो, फ्रॉम फ्लोर टू स्काई, मतलब ज़मीन से आप सीखना चाहते हो, तो आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़रूरी है। फ्री मास्टर क्लास में हो सकता है आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल रहे हो, 4000 लोग हैं, 400 लोगों ने क्वेश्चंस डाल दिए, आपका क्वेश्चन पिक होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, 40 लिमिटेड सीट्स हैं, 40 लोगों को हम देख रहे हैं, जो ट्यूटर है वो देख रहा है, आपके बराबर क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे, आपको बराबर डाउट क्लियर भी करते जाएंगे, राइट? तो फ्री मास्टर क्लास एंड ऑनलाइन कोर्स में ये फ़र्क होता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में देखे होंगे, आप लोगों ने फ्री मास्टर क्लास या फ्री सेशन, लाइव सेशन वगैरह, उसमें हज़ारों लोग होते हैं ना, तो हर किसी पे अटेंशन नहीं दे पाते। बट पर्सनल कुछ अट्रैक्टिव कुछ क्लास होता है, इंटरेक्टिव क्लास होता है, तो उसमें हम एक एक को देखते हैं, तो दैट इज़ द डिफरेंस। एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये बात पता होनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स करो किसी भी चीज़ का, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स करो, ट्यूटर जो है, जो सिखा रहा है आपको, जो आपका टीचर है, वो किस वे में एक्सप्लेन कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, मैंने हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर लिया पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चाहे मेरे से ऑनलाइन सीखो या ऑफलाइन सीखो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेनेशन वे जो होता है वो बहुत मैटर करता है, आपका ट्यूटर आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, आप कितने अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन समझ पा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन एनी कोर्स, एनी स्टडी, स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कॉलेज में हो, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, मेकअप सीख रहे हो, हेल्थ फिटनेस सीख रहे हो, जिम जा रहे हो। जिम में भी अगर आपका जिम ट्रेनर
आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तभी आप राइट पोजीशन पे सीख पाते हो। अगर आपका ट्रेनर ही अच्छा नहीं है तो आपका पूरा बॉडी शेप बिगड़ सकता है, राइट? आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप गलत पोजीशन में एक्सरसाइज करोगे। यही चीज़ें होती हैं मेकअप के लिए। ट्यूटर आपको बोल रहा है ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है, ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है, ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है, और आप उसको देखकर ऐसे 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 कर रहे हो, बट आपसे नहीं हो रहा है। पर अगर एक्सप्लेन करके मैं आपको कहूँ कि नहीं, राइट पे पकड़ना है, लेफ्ट साइड हटाना है, लेफ्ट राइट करना है, स्लो करना है, राउंड करना है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो वो अलग एक्सप्लेनेशन टेक्निक होती है। हर किसी की टेक्निक अलग अलग होती है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरी बहुत अलग है, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से सीख रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके एक्सप्लेन करने का तरीका ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपको उसकी एक एक बात अच्छे से समझ में आती है, तो आप ऑनलाइन सीख कर भी एक्सपर्ट बन सकते हो, राइट? एंड वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड फ्री वॉचिंग? ये मैंने आपको बता दिया, बट एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। फ्री वॉचिंग में आप सिर्फ मुझे देख सकते हो, जैसे आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, बट आप मुझसे बात नहीं कर सकते। एंड ऑनलाइन कोर्स में ये फ़ायदा होता है कि आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी एट दैट मोमेंट, उसी वक्त। आप मुझे यूट्यूब में आप मुझे कमेंट करोगे, मैं घंटों बाद कमेंट देखूँगी, मे बी रिप्लाई लायक लगेगा तो रिप्लाई करूँगी, या बहुत सारे कमेंट होंगे तो शायद मैं कमेंट्स देखूँ भी ना, तो आपको आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, राइट? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम ऑनलाइन कोर्सेज ऑन मेकअप फॉर बिगिनर्स एंड फॉर एडवांस ऑल्सो। अगर आप बिगिनर, आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है, तो भी आप सीख सकते हैं, उनके लिए बेसिक कोर्सेज हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत मेकअप आता है, बेस आता है, बट आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हो, स्मोकी आईज, पार्टी मेकअप में, एंड स्किन केयर कैसे करना है मेकअप के, अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप से पहले, मेकअप के बाद, स्किन को कैसे बचा के रखना है डैमेज करने से, ये सारी चीज़ें, मेकअप के अकॉर्डिंग आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग लिपस्टिक की शेड कैसी होनी चाहिए, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप कैसा होना चाहिए, आपके हेयर स्टाइल्स वगैरह, मतलब ओवरऑल लुक पे हम कोर्स जनरेट कर रहे हैं। कोर्स का मेन्यू भी मैंने बना कर रखा है, सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना, राइट? इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करना, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। फीस बहुत ही चीप प्राइस में है, एंड बहुत चीप प्राइस में है, एंड सेल्फ मेकअप कोर्स है, ओके? प्रोफेशनली भी आप सीख सकते हो, बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इसे कहा है ये सेल्फ मेकअप कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, मे बी दे आर इंटरेस्टेड। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।